तो जैसे कि मैं आपको पिछले वीडियो में दिखाया था, यहाँ पे आपका हाइड्रोलिक लगा के और किचन का पूरा ही, तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ माइक्रोवेव का जगह और चिमनी। और जैसे कि मैं पिछले वीडियो में यहाँ पे बताया था मेरा फ्रिज आने वाला है, तो वीडियो को पूरा देखे तभी आपको समझ में आएगा। और मेरे चैनल पे न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे। और हार्दिक इंडियन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है विनय शर्मा, तो मैं आपको ओपन करके दिखा दे रहा हूँ। जैसे कि आप देख पा रहे हैं हाइड्रोलिक का जगह है, हाइड्रोलिक यहाँ पे मैं लगाया था। तो उसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो आपको माइक्रोवेव का जगह दिया गया है, जो कि इस पर देख पा रहे हैं आपका कोई दिक्कत नहीं हो रहा है, प्रेम से आपका खुल रहा है और लग रहा है और यहाँ पे बंद हो जा रहा है। और इसमें देखेंगे जैसे कि मैं आपको पिछले वीडियो में दिखाया था, ये मेरा चिमनी है, यहां से लेके यहां तक ये मेरा 18 इंच का है और यहां से लेके यहां तक आपका 2 फुट का है। तो मैं इसको आपको ऑन करके दिखा दे रहा हूँ, ये ऑलरेडी ऑन हो चुका है। और टच चिमनी है, यहां से आप ऑन कर सकते हैं और यहां से आप लाइट जला सकते हैं और यहां से आपका फैन जलेगा और यहां से फिर आपका एडजस्ट 1 2 3, ये 2 हो गया यार, ये मेरा 3 हो गया। यहाँ पे देख पा रहे हैं आप 3 है। और इसको फिर ऑफ करने के लिए आपको इस प्रकार से ऑफ करना होगा, ये मेरा ऑफ हो चुका है। और लाइट जलाना चाहे तो आप इसी प्रकार से ऑन करें और यहाँ पे देखेंगे तो आपका लाइट है, ये 2 लाइट काफी है खाना बनाने के लिए। यहाँ पे मेरा गैस चूल्हा है, जैसे कि मैं पिछले वीडियो में बताया था यहाँ पे मेरा गैस चूल्हा आने वाला है, सॉरी सिलेंडर आने वाला है। तो मैं आपको खोल के दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पे देखेंगे तो आपका गैस सिलेंडर अच्छी तरह से आ गया है। मोबाइल सुता उससे मत करो। और जैसे कि मैं पिछले वीडियो में बताया था, यहाँ पे जो मेरा रेक है, यहाँ पे देख पा रहे हैं छोटा छोटा मसाला और हर चीज रखा गया अच्छी तरह से। यहाँ पे मेरा बेसन है, तो इस वीडियो में मैं इसीलिए लेके आया हूँ क्योंकि आपको लगे पिछले वीडियो में मैं आपको दिखा नहीं पाया था। तो यहाँ पे देखेंगे ये मेरा एक्वागार्ड का है, कैन का है। यहाँ पे देखेंगे अच्छी तरह से ये फिट हो चुका है, जो कि सामने आदमी आएगा तो उसको दिखाई नहीं देगा कि क्या बना हुआ है क्या नहीं है। जो घर वाला है उसे अच्छी तरह से पता है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे देखने में आपका पल्ला जैसा लगेगा इस प्रकार से। और यहाँ पे आप देखेंगे तो ऑन का बटन दिया गया है और यहां से देखेंगे तो आपका पानी का बटन दिया गया है। और इसका जो पाइप होता है, एक इन का एक आउट का, यहां से इन और आउट दोनों गया है, इन इसमें चला गया आउट यहाँ पे देखेंगे। और यहाँ पे देखेंगे तो आपका टावल टावल रैक दिया गया है, टावल सॉरी रैक दिया गया है, ये जो असेस का फिनिशिंग में है। और ऊपर में ये चिमनी का पूरा ही दिया गया है, तो मैं इसको चिमनी को दिखाऊंगा कि किस हिसाब से पाइप इसका ले जाया गया है। तो जैसे कि पिछले वीडियो में मैं बताया था कि यहाँ पे मेरा गुलदस्ता आने वाला है, यहाँ पे देखेंगे आपका अच्छी तरह से यहाँ चम्मच वगैरह सजाया गया है, जो कि सामने से लुकिंग देखने में बहुत ही अच्छा है। और इसके साथ में जो मैं फ्रिज बताया था, तो यहाँ पे देखेंगे तो फ्रिज है मेरा। तो चिमनी कैसा लगा और माइक्रोवेव कैसा लगा तो जरूर बताएं, जो कि पूरे अच्छी तरह से इंटीरियर डिजाइन में किया गया है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, वंदे।